बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान विषय में बुक समकालीन भारत 1 से भारत तथा विश्व, भारत के पड़ोसी देश, व कक्षा 10 में इंग्लिश ग्रामर विषय में नाउन क्लॉज। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की कौन सी पुस्तक? समकालीन भारत। जी हाँ बच्चों, यह भूगोल विषय से संबंधित पुस्तक है और इसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। हमने 2 भाग पहले ही पढ़ लिए हैं। इसमें हमने भारत की अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, भारत की लंबाई चौड़ाई, भारत की प्रमुख यामोतर रेखा और भारत की स्थलीय और समुद्री तट रेखाओं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 में भारत तथा विश्व के बारे में। देखिए बच्चों, हम आज विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति को पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि कक्षा 8 तक आपने महाद्वीपों और महासागरों के बारे में ज़रूर पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन की दृष्टि से मानचित्र में महाद्वीपों और महासागरों को देख लेते हैं। 7 महाद्वीप हैं बच्चों और 5 महासागर हैं। इनमें से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये है आपका 7वां महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप। उसी प्रकार से 5 महासागर हैं, ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर और एक बार फिर से यहाँ प्रशांत महासागर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है और ये दोनों भाग आपस में मिले हुए हैं। इसी प्रकार उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव महासागर। बच्चों, पेन और नोटबुक अपने पास में रखिए और अपनी जो किताब है उसको भी खोल कर रखिए, क्योंकि आपको साथ साथ में नोट करते रहना है और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेकिन ध्यान से पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एशिया के बारे में। एशिया महाद्वीप, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत श्रेणी अलग करती है, यूराल पर्वत श्रेणी। वैसे ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसे यूरेशिया भी कहते हैं। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत की स्थिति इसी एशिया महाद्वीप में आज हमें ढूंढनी है। यदि एशिया के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को देखें तो इनके बीच में आपको कौन सा देश नजर आएगा? जी हाँ बच्चों, भारत देश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप को विश्व मानचित्र में एक बार फिर से देखिए। यदि हम इसे उत्तरी भाग एशिया का, इसे दक्षिणी भाग और पूर्वी और पश्चिमी भाग मानते हैं तो एशिया महाद्वीप की स्थिति उत्तर दक्षिण के संदर्भ में कहाँ आएगी? दक्षिणी एशिया में। यानी हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? जी हाँ बच्चों, आपका अपना देश भारत। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की जो सेंट्रल पोजीशन है, भारत की विश्व महाद्वीप में एक यूनिक सिचुएशन है जो उसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। ऐसी स्थिति विश्व में कहीं पर भी किसी भी देश की नहीं है। इसी भारतीय जो प्रायद्वीपी भाग है, यहाँ से ये पूर्वी एशियाई देशों से भी जुड़ा हुआ है और पश्चिम में यूरोपीय देशों, अफ्रीकी देशों से भी जुड़ा हुआ है। ये देखिए, भारत का जो दक्षिणी पठार है, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये भारत का जो दक्षिणी पठार है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। हम पहले भी इन दोनों के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। और इसका जो आधार है, मैंने आपको पहले बताया था कि त्रिभुज कैसा होता है, सामान्य रूप से आप ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन जो भारत का दक्षिणी भाग है वो उल्टा त्रिभुज है, जिसका आधार तो उत्तर में है और शीर्ष दक्षिण में है। और इसके दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ये देखिए, हिंद महासागर दक्षिण के पठार की वजह से जो भारत का संपर्क है वो विश्व के अन्य देशों से हो पाया, जैसे पूर्व में पूर्वी एशियाई देशों से, पश्चिम में अफ्रीका, मध्य पूर्व के देशों से और यूरोपीय देशों से। यदि भारत का दक्षिण का पठार की सीमाएं इस प्रकार से नहीं बनी होती तो भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ में ऐसा संपर्क नहीं हो सकता था। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, दक्षिण के पठार की वजह से भारत का संपर्क पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से है। वह पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध भी बनाए हुए है। ये देखिए, हिंदुस्तान, भारत को हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान भी कहते हैं। और विश्व में पांच महासागर हैं और पांचों महासागरों में से केवल एक महासागर ऐसा है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और वो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। जी हाँ बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हम हिंद महासागर की बात कर रहे हैं जिसका नाम हिंदुस्तान के ऊपर रखा गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की जो मैंने आपको बताया था अभी केंद्रीय स्थिति है, इसकी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। ये देखिए, ये हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के जो दक्षिण में स्थित है वो है हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वेज नहर के बारे में। क्या आपने पहले कभी स्वेज नहर के बारे में सुना है? चलिए पढ़ लेते हैं स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक नहर है। 1869 से पहले यहाँ पर कोई नहर नहीं थी बल्कि एक स्थल भाग था। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर, और इस स्थान पर है लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक स्थल भाग था जिसे काट दिया गया, कौन से वर्ष में? सन 1869 में, और एक नहर बना दी गई, स्वेज नहर। पहले लंदन से आने वाले यात्री जो भारत आते थे वो इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर आते थे, और आप सोच सकते हैं कि ये दूरी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सन 1869 में जब से स्वेज नहर बनी, तब से इन दोनों देशों के बीच में, यानी कि यूरोप देश से जो पूर्वी एशिया में या भारत देश में जो आने वाले यात्री थे, उनकी समय की बहुत बड़ी बचत होने लगी। यानी हम ये कह सकते हैं किलोमीटर्स में कि 7000 किलोमीटर तक की बचत अब यूरोप देश से आने वाले लोगों की होने लगी। इस प्रकार यदि हम लंदन से सीधे मुंबई की बात करें तो करीब करीब 8-9 हज़ार किलोमीटर की बचत इस स्वेज नहर के माध्यम से हुई है। अभी हम बात कर रहे थे स्वेज नहर की, अब हम बात करेंगे कि भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ में संपर्क किस प्रकार रहा। या तो वो स्थल माध्यम से रहा होगा या फिर समुद्री माध्यमों से। लेकिन बच्चों, जो समुद्री माध्यम है वो कई वर्षों तक ज्ञात नहीं थे, इसीलिए ज़्यादातर जो व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है वो कहाँ से हुआ है? उत्तरी पर्वत में जो दर्रे बने हुए हैं, इन माध्यम से प्राचीन यात्री आते भी थे और यहाँ से भारतीय यात्री बाहर भी जाते थे। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, भारत का शेष विश्व के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध, ध्यान देने वाली बात है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, जैसे उत्तरी पर्वत के दर्रे। इन्हीं से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए क्योंकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं थे।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार भारत की जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है वो विश्व के अन्य देशों तक पहुंची। जी हाँ बच्चों, हम बात करेंगे आज उपनिषदों के विचार की, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ जो आपने बचपन में और अभी भी बहुत रुचिपूर्ण पढ़ते होंगे। ये देखिए, पंचतंत्र की कहानियाँ और भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली, ये सारी के सारे जो विचार हैं वो भारत से बाहर पहुँचे, उसी प्रकार विश्व के बाहर जो अच्छी अच्छी बातें थी वो भी भारत के अंदर आई। जैसे हम देख सकते हैं यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिम एशिया की वास्तुकला, और इनके जो प्रतीक हैं वो मीनार तथा गुम्बदों का प्रभाव। आप ज़रूर घूमने जाते होंगे और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई है। तो बच्चों, जो विश्व के साथ में संपर्क था भारत का, उससे भारत को भी फायदा हुआ और विश्व को भी फायदा हुआ। प्यारे बच्चों, आज हमारे देश की तस्वीर ऐसी है जिसमें 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सन 1947 से पहले ऐसा नहीं था। हाँ बच्चों, 1947 से पहले भारत गुलाम देश था और भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, बल्कि क्या थे? प्रांत और रियासतें। हाँ, प्रांतों पर अंग्रेज अधिकारियों का शासन हुआ करता था, जो कि वायसराय नियुक्त करता था। ये देखिए, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। और जो दूसरी प्रकार के राज्य थे, यानी कि जिन्हें हम रियासतें कहते हैं, आपने राजाओं के नाम ज़रूर सुने होंगे, वो राजा अंग्रेज अधिकारियों की प्रभु सत्ता को मानते हुए, यानी कि उन्हें अपना शासक मानते थे और उनके आधार पर उस क्षेत्र का वो शासन किया करते थे। ये देख सकते हैं आप, रियासतों का शासन स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पर, पैतृकता समझते हैं आप, पीढ़ी दर पीढ़ी अंग्रेज शासकों की प्रभु सत्ता को मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। लेकिन 1947 के बाद में परिस्थितियां बदली, भारत आजाद हुआ और भारत के पास में क्या आई? प्रभु सत्ता। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर ये जो शब्द दिखाई दे रहा है आपको, ये राजनीति विज्ञान का शब्द है। आप इसे राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें ज़रूर पढ़ेंगे। और ये प्रभु सत्ता हमारे पास आई और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। और भारत की स्थिति कैसी हो गई? इस प्रकार की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से सन 1947 में 562 रियासतों का एकीकरण किया गया और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हाँ बच्चों, आपने कक्षा 8 तक इनके बारे में ज़रूर पढ़ लिया होगा। आज हम बात करेंगे इसके पड़ोसी देशों के बारे में। प्यारे बच्चों, भारत में जो 28 राज्य हैं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी राजधानियां भी लिख लीजिए। आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ये देखिए बच्चों, ये भारत का उत्तरी भाग है, ये भारत का दक्षिणी भाग, ये भारत का पूर्वी भाग और ये भारत का पश्चिमी भाग है। तो आप मुझे बताइए कि भारत के पश्चिमी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? जी हाँ बच्चों, कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो लगा हुआ देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये देखिए, ये छोटे से बिंदु से भारत से जुड़ा हुआ देश है। उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर में चीन देश है जो हमारा पड़ोसी देश है। ये एक बहुत बड़ा देश है। इसके अलावा दो छोटे देश भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, नेपाल और भूटान। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, नेपाल और भूटान राज्य, अपनी बुक को खोल कर रखिए, उसमें ये मानचित्र दिया हुआ है और इसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। एक और देश की बात करते हैं, ये देखिए म्यांमार। म्यांमार की सीमा भी किससे मिली हुई है? भारत से। तो पूर्व में हमारा पड़ोसी देश कौन सा हुआ? म्यांमार। एक और देश है जो कि बांग्लादेश, बिल्कुल आपको भारत की मुख्य भूमि के साथ में लगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये अलग से एक देश है। तो इस प्रकार से हमने कौन कौन से देश देखे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं।
अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। हाँ बच्चों, वो पड़ोसी देश तो है, लेकिन वो हमसे स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ सवाल। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, जो कि कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी और पूर्वी तट पर। ये भारत का पश्चिमी तट है और ये भारत का पूर्वी तट है। आपने बहुत अच्छे से इसे भाग एक में और भाग दो में पढ़ा है। भारत के पश्चिमी तट पर दमन द्वीप स्थित है, दादर नागर हवेली स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। आप इसे यहां से नोट कर सकते हैं, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका फेवरेट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ बच्चों, जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान राज्य और सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। राजस्थान राज्य आपका अपना राज्य है और इसे आप अच्छे से याद भी रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? अभी अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखी भारत की। हमने पिछले वीडियो में देखा कि ऐसे कुछ राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं और कुछ राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमाओं से लगते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो स्थलबद्ध होते हैं, यानी कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी नहीं लगते हैं और किसी समुद्र तटीय सीमा से भी नहीं लगते हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। इसमें से पहला नाम आता है हरियाणा राज्य का। ये देखिए, हरियाणा राज्य की सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं लग रही है। ये मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो ये पांच राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्र तट से लगे हुए हैं ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार ऐसे वर्ग हमने बना रखे हैं, देशों के वर्ग जो कि किन किन राज्यों से उनकी सीमाएं बनती है। ये देखिए बच्चों, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को चार वर्गों में विभाजित कीजिए। तो हमने इसकी कैटेगरी बनाई है। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान देश के बारे में। पाकिस्तान देश से जो तीन राज्य लगे हुए हैं वो है गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्य। नोट कर लीजिए इसे। अब बात करते हैं चीन देश की। चीन देश से चार राज्य ऐसे लगे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए म्यांमार देश से ऐसे कौन से राज्य हैं जो उससे लगे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से भी लगा हुआ है और चीन देश से भी लगा हुआ राज्य है। अब देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे पांच राज्यों की सीमाएं छूती है। इनमें से पहला नाम आता है पश्चिम बंगाल का, दूसरा नाम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर मैंने चार देशों की ऐसी कैटेगरी बनाई। आप नेपाल और भूटान की कैटेगरी के साथ में इन राज्यों के नाम लिख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल और भूटान से लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भारत की सीमाएं हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर, ये उत्तर पूर्व और ये पूर्व। भारत की भूमि की जो सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से लगी हुई है और अफगानिस्तान से लगी हुई है। ये देखिए अफगानिस्तान। और उत्तर में किससे लगी हुई है? चीन से, नेपाल से और भूटान से। ये रहा नेपाल, भूटान देश और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। नोट कर लीजिए इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत और श्रीलंका के बीच में, मैंने अभी अभी आपको बताया कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी हमारे पड़ोसी देश होते हुए भी ये हमसे अलग क्षेत्र में स्थित है। और इसे कौन अलग करता है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी।
ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भारतीय सीमा को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक और देश है मालदीव, जो बिल्कुल भारत के नजदीक है। ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। ये भी एक द्वीपीय देश समूह है, भारत के दक्षिण में है, लक्षद्वीप के दक्षिण में है, लेकिन भारत की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा हो जाता है, और अगले भाग में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, और जहाँ कहीं ज़रूरत हो इसे पॉज करके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो बनिए रहिए मेरे साथ। थैंक यू बच्चों। आज का अगला पाठ कक्षा 10 में इंग्लिश ग्रामर विषय में नाउन क्लॉज। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है क्लॉजेस, जिसका आज हम पार्ट 2 ले रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज को समझने से पहले कुछ रिवाइज करते हैं। देखिए, क्लॉजेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस भी 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। आज हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अब नाउन क्लॉज को समझने से पहले नाउन की डेफिनेशन याद करते हैं। एनी नेमिंग नेम इज नाउन, मींस नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन एंड स्टेट। अब यहां समझिए, अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन, अर्थात सेंटेंस में नाउन क्लॉज नाउन की तरह कार्य करता है। साथ ही साथ इट कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ जेरंड इन अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन। तो यहां हम ये समझ पाए हैं कि नाउन क्लॉज ये समस्त कार्य करता है, या नाउन क्लॉज को हम इस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब यहां हम एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि हम सेंटेंस में कैसे पहचाने कि यह नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको मेन वर्ब के साथ व्हाट लगाना है और जो उत्तर प्राप्त होगा वह नाउन क्लॉज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, आई नो वेयर शी लिव्स। अब यहां हम ये समझेंगे कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्टर से प्रारंभ होता है, अर्थात वेयर शी लिव्स, यहां पर वेयर क्या है, कनेक्टर, तो यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। अब यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज कैसे होता है यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो यह आपकी मेन वर्ब है, आपको इसके साथ व्हाट का यूज करना है और एक क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो अब देखो, आई नो मैं जानता हूं, व्हाट क्या, तो उत्तर क्या आएगा, वेयर शी लिव्स। तो अब ये हमारा नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं कनेक्टर्स की, जो कि नाउन क्लॉज में यूज होते हैं। दैट, हाउ, व्हाट एवर, व्हेन, वेयर, वेदर, हु, हूएवर, हुम, हुमएवर, व्हाई एंड व्हाट। यहां पर आपने देखा कि ये सारे कनेक्टर्स नाउन क्लॉज के लिए यूज होते हैं, परंतु हम व्हाट, दैट और हाउ का यूज अधिकांशतः करते हैं। परंतु हम ये मानते हैं कि तीन मेन कनेक्टर हैं, जिसमें सबसे पहला है दैट, देन रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसकी सहायता से हम नाउन क्लॉज बनाते हैं। या हम ये समझ लेते हैं कि जो ये रिलेटिव एडवर्ब है व्हेन, वेयर एंड व्हाई, एंड रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच और दैट, इससे पूर्व उसका एंटीसिडेंट ना लगा हो, प्लीज रिमेम्बर कि एंटीसिडेंट नहीं लगा हुआ हो, तो
नाउन क्लॉज होगा। आगे देखो, एन एंटीसीडेंट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट अ प्रोनाउन रेफर्स टू। यहाँ पर देखो, मोहित थ्रू द बैग टू रश्मि एंड रश्मि थ्रू इट बैक। तो यहाँ पर ये जो द बैग है, ये एंटीसीडेंट किसका है? इट का है। ऐसे ही एन एंटीसीडेंट इज एन एक्सप्रेशन यानी वर्ड फ्रेज क्लॉज सेंटेंस दैट गिव्स इट्स मीनिंग टू अ प्रो फॉर्म, यानी प्रो नाउन, प्रो वर्ब एंड प्रो एडवर्ब। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। दिस इज द सिटी वेयर आई वॉन्ट टू लिव। अब यहां पर आपको सेंटेंस में क्या दिख रहा है? यह कनेक्टर है और इससे पहले एंटीसीडेंट का प्रयोग हुआ है, तो यह नाउन क्लॉज नहीं है। परंतु आगे देखो, व्हेन ही विल रिटर्न इज अनसर्टन। अब हमें यह देखना है कि कनेक्टर कहाँ से लगा है, यहां से, व्हेन से। तो इसके बाद वाला सेंटेंस क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। परंतु इस सेंटेंस को कहाँ तक लिया जाए? यहां पर देखो, मैंने सेंटेंस को काटा है, इज अनसर्टन, इज क्या है? वर्ब। और हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखा है? यह क्लॉज। अब हमें यह देखना है कि यह नाउन क्लॉज है या नहीं। तो अब ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये क्या हो गया? मेन वर्ब है, इसमें व्हाट लगाते हैं। व्हाट इज अनसर्टन, क्या अनसर्टन है? आंसर आ गया व्हेन ही विल रिटर्न। तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। ठीक है, यही बात हमने यहां पर एक्सप्लेन करी है। व्हेन ही विल रिटर्न क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। इज अनसर्टन क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में व्हेन कनेक्टर से शुरू हुआ है, ही क्या है? सब्जेक्ट। विल रिटर्न क्या है? प्रेडिकेट। कनेक्टर से हमने पहचाना, फिर हमने मुख्य क्रिया जो इज अनसर्टन है उसके साथ व्हाट से प्रश्न बनाया, व्हाट इज अनसर्टन। अब व्हाट का आंसर आया व्हेन ही विल रिटर्न, यही हमारा नाउन क्लॉज हुआ। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने इसलिए लिखा है कि आप बाद में जब इसे रिवाइज करें तो इसकी सहायता से बहुत जल्दी समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द फोकस ऑफ माय टॉपिक इज हाउ आई कैन एनहांस माय स्टूडेंट्स नॉलेज। अब यहां पर इज वर्ब है, इसके बाद में एक क्लॉज दिया हुआ है। तो यहां पर यह समझना होगा कि सब्जेक्ट ऑफ नाउन क्लॉज क्या है? आई। ठीक है, यहां पर वर्ब फ्रेज कौन सी है? कैन एनहांस। आगे देखो, यहां पर अब हम बात करते हैं द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी अब हम बात कर रहे हैं कि नाउन क्लॉज किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। कैसे? हाउ ही अर्नड दिस मच इज अ मिस्ट्री। ये एक पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस को हम तोड़ेंगे। जहां पर वर्ब लगी है उससे पहले का सेंटेंस सब्जेक्ट हुआ, इस सब्जेक्ट में एक कनेक्टर लगा है हाउ, हाउ से जो सेंटेंस बना है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। परंतु यह क्लॉज कौन सा है ये जानने के लिए हमने मेन वर्ब में व्हाट लगाया। व्हाट इज अ मिस्ट्री। ठीक है, तो आंसर आएगा हाउ ही अर्नड दिस मच। तो ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज। जैसा कि हमने कहा था कि नाउन क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना ही प्रेडिकेट होता है और एक कनेक्टर लगता है। आगे देखो, व्हाट इज अ मिस्ट्री का आंसर हाउ ही अर्नड दिस मच। हाउ क्या है? कनेक्टर है। और ये क्लॉज कहाँ लगा है? सब्जेक्ट की जगह। तो यहां पर नाउन क्लॉज कैसे वर्क कर रहा था? एज अ सब्जेक्ट। व्हेन ही विल रिटर्न इज अनसर्टन। तो यहां पर भी एक पूरा सेंटेंस है, यहां हमने ये मेंशन किया है। ठीक है, इज
वर्ब से मैंने सेंटेंस को तोड़ दिया। अब यहाँ पर प्लेस देखो किसकी है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये कौन से प्लेस है, सब्जेक्ट की। अब मुझे पता करना है कि ये नाउन क्लॉज है या नहीं, तो मेन वर्ब में व्हाट लगाऊं, व्हाट इज अनसर्टन, क्या अनसर्टन है, व्हेन ही विल रिटर्न, तो ये आंसर आया, तो ये आंसर क्या हो गया, नाउन क्लॉज। और इसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है और एक कनेक्टर लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो, दैट ही इज ऑनेस्ट इज क्वाइट क्लियर। सबसे पहली बात, सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद सेंटेंस को हमें तोड़ना होगा। ये मेन वर्ब है, इसके बाद वाला सेंटेंस मैंने अलग कर दिया, जहाँ से कनेक्टर लगा है वह एक सेंटेंस है जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ये दैट से शुरू हुआ है, नाउन क्लॉज भी दैट से शुरू होता है, परंतु हम इसे और भी चेक करेंगे। देखो, इज क्वाइट क्लियर, व्हाट इज क्वाइट क्लियर, व्हाट लगाया, आंसर क्या आया, दैट ही इज ऑनेस्ट, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेदर शी विल हेल्प यू इज नॉट श्योर, तो यहां पर फिर मैंने सेंटेंस को तोड़ा, इज नॉट श्योर, व्हाट इज नॉट श्योर, आंसर आया वेदर शी विल हेल्प यू, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज। इसका अपना एक कनेक्टर है, अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट है। हम ये मानते हैं कि ये जो कनेक्टर है उससे जो क्लॉज शुरू होता है वही सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और क्योंकि इस सब ऑर्डिनेट क्लॉज का आंसर हमें व्हाट से मिला है, इसलिए यह नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट देखो, नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब बहुत जरूरी है कि आपको ऑब्जेक्ट पता हो और ट्रांजिटिव वर्ब पता हो। अब यह हम समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। देखो, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट, तो कुल मिलाकर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। इट इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, अ नाउन फ्रेज और प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग दैट इज इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। हम चाहें तो ये सारी चीजें समझ सकते हैं, और कट शॉर्ट में करना चाहें तो हमें ये पता है कि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब एक बार फिर से देखते हैं, क्या था, नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी नाउन क्लॉज की प्लेस कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट की, और किसके बाद आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। आई एडमायर योर व्यूज, तो यहां पर देखो ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ, व्हाट आई एडमायर योर व्यूज, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, कैसे पता चला, मैंने कहा आई एडमायर, तो आप मेरी तरफ देखेंगे, ठीक है मैडम सेंटेंस पूरा करो, आई एडमायर, मैं एडमायर करती हूँ, पर क्या, तो हमें यह ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता ही है, और यह ऑब्जेक्ट एक नाउन क्लॉज का काम करेगा। आगे समझते हैं, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू मुंबई, ये पूरा एक सेंटेंस है। मुझे फिर कनेक्टर को देखना होगा, दैट इसके बाद वाला सेंटेंस सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अब यह प्रिंसिपल क्लॉज है, शी टोल्ड मी, यहां पर हो सकता है व्हाट शी टोल्ड मी क्वेश्चन बना, तो आंसर क्या आ गया, दैट शी वॉज गोइंग टू मुंबई, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज। देखो, कनेक्टर से शुरू हुआ है, इसका अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
यहाँ यही चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं. शी टोल्ड मी क्वेश्चन अराइज व्हाट आंसर इज दैट शी वाज गोइंग टू मुंबई. कनेक्टर दैट का प्रयोग हुआ है, वर्ब टोल्ड का ऑब्जेक्ट है, दैट शी वाज गोइंग टू मुंबई. नेक्स्ट देखो, शी स्पेंट व्हाट शी अर्नड. ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पर कनेक्टर लगा है तो यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. ठीक है, अब ये जो मेन वर्ब है इसमें मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, व्हाट शी स्पेंट. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा व्हाट शी अर्नड. तो यहाँ पर अगेन हमें पता चल गया कि नाउन क्लॉज है, ये कनेक्टर से शुरू हुआ है, यहाँ पर अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट है. नेक्स्ट देखो, शी रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट गो देयर. ये कंप्लीट सेंटेंस है पूरा, कनेक्टर जहाँ से लगा है मैंने सेंटेंस तोड़ दिया, दैट शी डिड नॉट गो देयर, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है. अब इस मेन वर्ब में मैं व्हाट लगा के क्वेश्चन बनाती हूँ, व्हाट शी रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट गो देयर. तो यहाँ पर यह व्हाट का आंसर है, इसलिए यह नाउन क्लॉज हुआ. नेक्स्ट देखो, आई डू नॉट नो विच टी शर्ट यू वॉन्ट. ये एक पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस का एक हिस्सा क्लॉज है, जहां से कनेक्टर लगा है वह सब ऑर्डिनेट क्लॉज हुआ. अब ये कौन सा क्लॉज है यह जानने के लिए मैंने प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब में व्हाट लगाया है. देखो, आई डू नॉट नो व्हाट, अब व्हाट का जो आंसर है वो ये है विच टी शर्ट यू वॉन्ट. नेक्स्ट देखो, नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. तो अब हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट की प्लेस कहाँ होती है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. परंतु इस ऑब्जेक्ट से पहले यह हमें प्रेपोजिशन मिलेगा. ठीक है, राइट. अब देखते हैं, आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन वर्क करता है, यानी हमें क्लॉज के पहले प्रेपोजिशन मिलना चाहिए. तो क्लॉज कहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से कनेक्टर लगा है, तो ये क्लॉज हो गया. ठीक है, इसके पहले प्रेपोजिशन है. क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आई डोंट बिलीव व्हाट यू डोंट बिलीव, या व्हाट आई डोंट बिलीव, पार्ट थ्री, यानी रूल नंबर थ्री. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पर एक प्रेपोजिशन होगा. ठीक है, तो नाउन क्लॉज वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. अब एग्जाम्पल देखो, आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से, कनेक्टर व्हाट, यहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हुआ, इसके पहले इन, ये क्या है प्रेपोजिशन, और ये क्या है मेन क्लॉज. तो अब हमें व्हाट के साथ क्वेश्चन बनाना होगा. यहां देखो, आई डोंट बिलीव, क्वेश्चन व्हाट, आई डोंट बिलीव, क्वेश्चन बन गया. आंसर क्या आया, इन व्हाट यू से, तो ये क्या हो गया नाउन क्लॉज. ठीक है, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां पर ये नाउन क्लॉज है जिसमें लिखा है व्हाट यू से. तो मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू रिएक्ट. ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद से सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, तो आधा काम हमारा हो गया. अब यहाँ पर प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद में जो क्लॉज लगा है वह नाउन क्लॉज हो सकता है. हमें क्या करना होगा, इसका एक क्वेश्चन बनाना होगा व्हाट से. देखो, इट डिपेंड्स अपॉन, अगेन हम पूछेंगे व्हाट, अपॉन का ऑब्जेक्ट, हाउ यू रिएक्ट, ये क्या हो गया नाउन क्लॉज.
ठीक है. नेक्स्ट देखो, द बुक विल सेल फॉर व्हाट इट इज वर्थ. ये कंप्लीट सेंटेंस है, जहां से कनेक्टर लगा है वहां से मैं इस सेंटेंस को तोड़ूंगी, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ. अब ये नाउन क्लॉज है या नहीं, ये हम मेन क्लॉज में व्हाट लगाकर जो आंसर मिलेगा उस पर डिपेंड करता है. परंतु यहाँ देखो, ये एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद में यह क्लॉज है, तो हमारा आंसर हो गया फॉर क्या है, प्रेपोजिशन. तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इट इज वर्थ. तो ये क्या हुआ, एक नाउन क्लॉज. नेक्स्ट रूल देखो, नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब. अब बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस पता हो. सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, राम नीड्स अ बुक. तो यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट, नीड्स क्या है, वर्ब, और क्या है, डिटर्मिनर, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट. परंतु आगे देखो, राम इज अ डॉक्टर. तो यहाँ पर राम अगेन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है बी फॉर्म, और क्या है, डिटर्मिनर, और डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट. शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो यहाँ पर शी क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब, अ क्या है, डिटर्मिनर, और ब्यूटिफुल गर्ल क्या है, कॉम्प्लीमेंट. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फर्क समझ में आया होगा. जब हम राम के साथ दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि राम बाय अ बुक, तो अ बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. परंतु हम कहें राम इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पर हम राम के बारे में ही कुछ कह रहे हैं, तो वह कॉम्प्लीमेंट होता है. नेक्स्ट देखो, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. तो अब यहाँ पर ये समझना कि ज़्यादातर आपको वर्ब की बी फॉर्म मिलेगी, उसके बाद में जो क्लॉज होगा वह नाउन क्लॉज होगा. देखो, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. यहाँ पर व्हाट क्या है, कनेक्टर, ठीक है, इस क्या है, वर्ब की बी फॉर्म. बी फॉर्म के बाद अक्सर कॉम्प्लीमेंट होता है, तो नाउन क्लॉज वर्क्स एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज. ठीक है, नेक्स्ट देखो, माई ग्रेट फियर इज, यहाँ पर दैट लगा लीजिए, ही मे लूज द मैच. तो यहाँ पर दैट कनेक्टर से जो क्लॉज शुरू हुआ वह नाउन क्लॉज है, वर्ब की बी फॉर्म है. ठीक है, तो यह वर्क कर रहा है एज एन कॉम्प्लीमेंट. द फैक्ट इज दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ये कंप्लीट सेंटेंस है, जहां से कनेक्टर लगा है मैंने सेंटेंस तोड़ दिया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और इस क्या है, वर्ब की बी फॉर्म. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ठीक है, हमें अब पता चल गया कि नाउन क्लॉज वर्क्स एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. हम चाहें तो इसके साथ व्हाट भी लगा सकते हैं, व्हाट द फैक्ट इज, तो भी आंसर यही आएगा, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन. नेक्स्ट देखो, द क्वेश्चन इज वेदर देयर इज एनी ट्रूथ. तो यहाँ पर बी फॉर्म लगी है, इसके बाद वाला क्लॉज नाउन क्लॉज है, बिकॉज ये एज अ कॉम्प्लीमेंट वर्क कर रहा है. ठीक है, और चाहूँ तो यहाँ पर व्हाट के साथ क्वेश्चन भी बना सकते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन, तो आंसर आएगा वेदर देयर इज एनी ट्रूथ. नेक्स्ट देखो, लाइफ इज हाउ वी लिव इट. तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, सेंटेंस को हाउ से तोड़ दिया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. यहाँ पर इस क्या है, बी फॉर्म है, इसके बाद में नाउन क्लॉज होगा, जो कि कैसे वर्क कर रहा है, एज अ कॉम्प्लीमेंट. अब हम बात करते हैं पार्ट फिफ्थ की, नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल. तो यहाँ पर अगेन नाउन क्लॉज वर्क कैसे कर रहा है, एज द ऑब्जेक्ट, परंतु किसका ऑब्जेक्ट, एक पार्टिसिपल का. तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टिसिपल क्या होता है.
देखो, अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, यानी वर्ब किसे बनता है, एंड दैट एंड्स इन आई एन जी, ई डी या ई एन. जो ई डी और ई एन से फिनिश होता है वह पास्ट पार्टिसिपल होता है, जिसमें आई एन जी लगता है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. यानी ये वर्ब की फॉर्म होती है जिसमें आई एन जी लगता है, ई डी लगता है या ई एन लगता है. पार्टिसिपल इज एन एडजेक्टिव, यानी डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है, मेड फ्रॉम अ वर्ब, वर्ब से बनता है, परंतु इसे एज एडजेक्टिव भी लिया जाता है क्योंकि यह डिस्क्रिप्टिव होता है. अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट मे फंक्शन एज एडजेक्टिव और नाउन, यानी वो वर्ब की तरह काम नहीं करती है, या तो एडजेक्टिव की तरह काम करती है या नाउन की तरह काम करती है, परंतु उसमें आई एन जी लगा होता है या ई डी लगा होता है या ई एन लगा हुआ होता है. अब देखो, ही हैड सम स्मार्ट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको पता चल गया स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है. ही सब्जेक्ट है, हेड क्या है, वर्ब, ठीक है. सम क्या है, डिटर्मिनर, ठीक है. और फ्रेंड्स क्या है, अगेन नाउन. तो अब ये पता चल गया कि स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही हैड सम बेक्ड बिस्किट्स, यहाँ पर अगेन ही क्या है, सब्जेक्ट. हेड क्या है, वर्ब. सम क्या है, डिटर्मिनर. बेक्ड, बेक क्या है, वर्ब की फॉर्म है, उसमें हमने ईडी लगा दिया, ठीक है. तो ये ईडी वर्क कर रहा है एज अ पास्ट पार्टिसिपल एंड एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, बिस्किट्स के बारे में. बिस्किट्स कैसे हैं, बेक्ड. तो ये कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव, जबकि है क्या, वर्ब. परंतु इस सेंटेंस की वर्ब यहाँ है. तो अब आपको पता चल गया होगा कि पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है या एज एन नाउन भी काम करता है. अब देखो, फियरिंग दैट ही माइट गेट लेट ही रैन फास्ट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. इस सेंटेंस को जहाँ से कनेक्टर लगा है मैंने तोड़ा, ठीक है. अब ये जो फियरिंग है, यानी वर्ब में आई एन जी शुरू में ही लगा दिया गया. आप चाहें तो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, यदि सेंटेंस के बिगिनिंग में ऐसे आई एन जी लगा हो तो उसके बाद नाउन क्लॉज होता है, ठीक है. पर ये सिर्फ एक ट्रिक मात्र है. अब यहाँ देखो कि वर्ब के अंदर आई एन जी लगा दिया तो ये पार्टिसिपल हो गया. अब इस पार्टिसिपल का ये ऑब्जेक्ट है नाउन क्लॉज, ठीक है. नेक्स्ट देखो, थिंकिंग दैट शी वुड हेल्प मी आई वेंट हर हाउस, ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है. जहां से कनेक्टर लगा मैंने सेंटेंस को तोड़ दिया, ये एक क्लॉज हो गया. कनेक्टर यहां पर दैट लगा है, थिंकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल, ठीक है. तो यह नाउन क्लॉज जो है इस पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, बिलीविंग दैट द स्टोरी वॉज ट्रू आई हेल्प्ड हिम, ये एक पूरा सेंटेंस है. यहाँ कनेक्टर लगा है, सेंटेंस तोड़ दिया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. इसे मैं नाउन क्लॉज कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले पार्टिसिपल लगा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, परंतु यह वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है. नेक्स्ट देखो, फीलिंग दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है. फीलिंग क्या है, पार्टिसिपल. क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा है. दैट क्या है, कनेक्टर. तो इसके बाद वाला सेंटेंस क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, इसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे. ऐसे ही एक सेंटेंस और लिखा है, ही यील्डेड टू हिज ओपोनेंट. आप देखो, नाउन क्लॉज वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ जेरंड.
अब ये समझना होगा कि जिरण क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है और वह वर्ब की तरह काम नहीं करता है बल्कि एक नाउन की तरह काम करता है तो उसे हम जिरण कहते हैं। यहाँ देखो, अ जिरण इज अ नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब विच रेफर्स टू एन एक्शन प्रोसेस और स्टेट। जिरण एंड इन आईएनजी, ठीक है, जैसे कि रनिंग, जैसे कि थिंकिंग। एग्जाम्पल देखो, ही इज वॉकिंग। ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। वॉकिंग भी क्या है? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वॉकिंग क्या है? मेन वर्ब। परंतु इस सेंटेंस को देखो, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर वॉकिंग एज अ नाउन है तो इसे हमने जिरण कहा है, क्योंकि हिंदी में आप इसे क्या बोलेंगे? घूमना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर यह वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है बल्कि एक नाउन की तरह काम हो रहा है। नेक्स्ट देखो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग दैट ही इज डिसऑनेस्ट। ये एक पूरा सेंटेंस है। यहाँ पर स्पीकिंग एज अ नाउन काम कर रहा है तो क्या हो गया? जिरण। जिरण के बाद वाला क्लॉज क्या हो गया? नाउन क्लॉज। नेक्स्ट देखो, शी हैज नो हेजिटेशन इन कन्फेसिंग दैट शी कमिटेड अ मिस्टेक। यहाँ पर कन्फेसिंग क्या है? जिरण, क्योंकि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगा है परंतु ये वर्क कैसे कर रहा है? एज अ नाउन, और ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। नेक्स्ट देखो, नाउन क्लॉज एज केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। अब ये समझना होगा कि अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। देखो, when we use two noun phrases next to each other in a clause and they refer to the same person or thing we call this apposition। yani hum jab do noun ko ek sath rakhte hain aur ek noun dusre noun ke bare mein hi keh raha hota hai to wah noun in apposition kehlata hai। yani usi noun ke bare mein aur kaha jaye ek noun phrase mein, ठीक है। देखो, द यंगेस्ट चाइल्ड हरीश इज वेरी क्यूट। यहां पर द यंगेस्ट चाइल्ड, ये हमारा नाउन नंबर वन, हरीश नाउन नंबर टू, ये दोनों बातें एक ही पर्सन के बारे में है इसलिए यहां पर नाउन इन अपोजिशन है। अब देखो, द रिपोर्ट दैट द एनिमी इज कमिंग इज रॉन्ग। यहाँ पर द रिपोर्ट नाउन है, कनेक्टर दैट है, परंतु रिपोर्ट क्या है? द एनिमी इज कमिंग, तो ये क्या हो गया? नाउन इन अपोजिशन, क्योंकि द रिपोर्ट और ये क्लॉज एक ही बात को बता रहा है। नेक्स्ट देखो, द न्यूज दैट द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड इज नॉट ट्रू। यहाँ पे मैंने सेंटेंस इसलिए काटा है कि यहाँ से वो अब शुरू हुई है। अब देखो, द न्यूज क्या है? नाउन। दैट द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो ये जो क्लॉज है नाउन क्लॉज, ये किसके बारे में कह रहा है? इसी न्यूज के बारे में, तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज इन अपोजिशन। नेक्स्ट देखो, द र्यूमर दैट द चीफ मिनिस्टर हैज रिजाइंड इज फॉल्स। यहां पर अगेन मैंने स्लैश दिया है क्योंकि आगे वर्ब है, तो ये एक पूरा सेंटेंस है जहां से कनेक्टर लगा है वह नाउन क्लॉज हो गया। द र्यूमर क्या है? नाउन। अब र्यूमर क्या है? दैट द चीफ मिनिस्टर हैज रिजाइंड, तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो यहां पर नाउन क्लॉज एज एन अपोजिशन। नेक्स्ट देखो, द र्यूमर दैट ही कमिटेड द मर्डर हैज कम ट्रू। यहाँ पर भी ये जो द र्यूमर है ये नाउन है, और र्यूमर क्या है? दैट ही कमिटेड द मर्डर, ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज इन अपोजिशन, क्योंकि ये दोनों बातें एक सी ही हैं कि र्यूमर क्या है? दैट ही कमिटेड द मर्डर, यहाँ से वर्ब है, ठीक है, तो सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नाउन क्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, पार्ट 8, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव वर्ब।
एन इन्फिनिटिव यूजुअली बिगिंस विद द वर्ड टू एंड इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, जैसे कि टू जंप. यानी इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. टू प्ले, टू सिंग, टू लाफ, टू क्राई, टू ईट एंड टू गो एक्सेट्रा. अब यहां देखो, आई वॉन्ट टू नो वॉट हैज हैपेंड. यहां पर टू नो क्या है? इन्फिनिटिव. वॉट से क्लॉज शुरू हुआ, ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज. आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वॉट डू आई वॉन्ट टू नो, तो आंसर क्या आएगा? वॉट हैज हैपेंड. नेक्स्ट देखो, वी आर वेरी सॉरी टू नो दैट ही फेल्ड. टू नो क्या है? इन्फिनिटिव. इसके बाद दैट लगा है और यह नाउन क्लॉज है. पीपल ट्राई टू अर्न वॉट एवर दे अर्न, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगेन टू अर्न इन्फिनिटिव और इसके बाद नाउन क्लॉज है. बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नाउन क्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट सेशन में हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बात करेंगे. टिल देन थैंक यू, गुड बाय. बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान विषय में बुक समकालीन भारत 1 से भारत तथा विश्व, भारत के पड़ोसी देश, वे कक्षा 10 में इंग्लिश ग्रामर विषय में नाउन क्लॉज. बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में हिंदी व्यवहारिक व्याकरण विषय में निबंध लेखन, वे कक्षा 10 में गणित विषय में बहुपद अध्याय से द्विघात समीकरण भाग 8. बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है. बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें. कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 313001.